हेलो फ्रेंड्स, मेरा नाम अर्चना है और आज मैं नमकीन सेवइयाँ बनाने जा रही हूँ। बच्चों के लिए नाश्ता तैयार करना हो और घर में सब्जियाँ ना हो तो आप ऐसी परिस्थिति में नमकीन सेवइयाँ बच्चों को बनाकर दे सकते हैं और खाने में भी उतना ही स्वादिष्ट होता है। तो उसके लिए हमें ज़्यादा चीज़ें नहीं चाहिए, केवल हमें थोड़ा सा सेवइयाँ चाहिए। इस बाउल से मैंने 1.5 बाउल सेवइयाँ ले लिया है। ये सेवइयाँ सूजी का बना हुआ है तो ये हेल्थ के लिए भी ठीक है और इसको खाने से बच्चों के पेट भी भरता है और भूख भी मरता है। उसके बाद मैंने एक प्याज को बारीक काट लिया है, 1 चम्मच लहसुन को टुकड़ों में काट लिया है, 2 टमाटर ले लिया है और 2 हरी मिर्च को टुकड़ों में काट लिया है। हरी मिर्च तीखा नहीं है इसलिए मैंने इसे सब्जी के तरह काट लिया है। अगर आप सब्जी ऐड करना चाहते हैं तो इसमें सब्जियां भी ऐड कर सकते हैं, जैसे कि शिमला मिर्च, बीन्स, हरा मटर और ब्रोकली, ऐसी सब्जियां आप इसमें ऐड कर सकते हैं, वो उसके साथ भी बहुत ही अच्छा लगता है। लेकिन अगर सब्जियां ना हो तो इस तरह से बनाएं, बहुत ही स्वादिष्ट लगेगा और बच्चे बहुत ही चाव से खाएंगे। तो सबसे पहले हमें इसको भुनना है। भुनने के लिए रिफाइंड ऑयल, सरसों तेल, देसी घी, जो भी चाहे आप इसमें इस्तेमाल कर सकते हैं। तो हम इसे रिफाइंड ऑयल में भूनकर तैयार करेंगे। पैन जब गर्म हो जाए तब 3 चम्मच करीब रिफाइंड ऑयल इसमें डाल देंगे। ज़्यादा तेल नहीं लगता है, थोड़े से तेल में भुन जाता है। तेल गर्म हो चुका है, अब सारे सेवइयाँ इसमें डाल दें। सेवइयाँ भुन चुका है, इसी कलर में हमें इसे निकाल लेना है। तो अब मैं गैस ऑफ कर देती हूँ और इसको एक प्लेट में निकाल लेती हूँ। फिर से 4 चम्मच रिफाइंड ऑयल डाल देंगे। थोड़ा जीरा डाल दें। जब जीरा चटक जाए और जीरा का कलर ब्राउन हो जाए तब हमें इसमें सबसे पहले लहसुन डालना है। प्याज डाल देंगे, साथ ही हरी मिर्च। लगभग 40 सेकंड भुनने के बाद प्याज का कलर बिल्कुल बदल जाता है और ब्राउन हो जाएगा। ब्राउन होने से पहले यानी कि जलने से पहले जब इस तरह का कलर हो जाए तब आपको इसमें टमाटर डाल देना है। टमाटर के साथ 1/4 चम्मच हल्दी पाउडर, 1/4 चम्मच लाल मिर्च पाउडर और 1/4 चम्मच धनिया पाउडर डालकर सभी को चला देंगे। अब 1/4 चम्मच गरम मसाला डाल देंगे और इसे भी अच्छी तरह से मिला देंगे। मसाला भुन चुका है, अब हम इसमें सेवइयां डाल देंगे। सेवइयां डालकर एक बार अच्छी तरह मिला दें। ये सेवइयां मोटे दाना वाला सेवइयां है, इसका खीर नहीं बनता है। इसी तरह से आप इसको बना सकते हैं। खीर अगर बनाएंगे तो बहुत देर लगता है, उसको पकाने में थोड़ा देर तक पकाना पड़ता है। तो अब हम इसमें डाल देंगे 1 से 1.5 गिलास पानी लगेगा, तो इस गिलास से हम 1 गिलास पानी डाल देंगे। आधा गिलास पानी और डालेंगे। आधा चम्मच नमक डाल देंगे। नमक डालने के बाद अच्छी तरह से मिला दें। मिलाने के बाद इसके ऊपर ढक्कन डाल दें। इसको पकने में लगभग 1 मिनट का टाइम लगेगा और यह पककर तैयार हो जाएगा। गैस का हीट मैंने फुल कर दिया है। जब उबलने लगे तब गैस का हीट लो कर दें। ऊपर से थोड़ा हरा धनिया या पुदीना डालकर गार्निश करेंगे, इसको मिक्स करेंगे। और आधा नींबू ले लेंगे, लगभग हमें 1 चम्मच नींबू का रस इसमें डालना है।
इसे अच्छी तरह मिला देंगे। अब देख सकते हैं पक चुका है, पानी भी खत्म हो चुका है, तो हम इसे एक बार अच्छी तरह मिलाकर बच्चों को सर्व करेंगे। इसी तरह से सेवइयां अपने घर पर बनाइए, अपने बच्चों को, अपनी फैमिली को सर्व करें। अगर आपको मेरी यह रेसिपी अच्छी लगे तो इसे लाइक करें, शेयर करें और लेटेस्ट रेसिपी के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू सो मच।